हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या वी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी दिन हो गए कि जो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करूं। और आज ना मुझे सुहागली में जाना है, तो बस मैं रेडी हो रही थी, मतलब अभी नाश्ता वगैरह हो जाए फिर रेडी होंगी। और ये ना भारत माँ पैदल यात्रा के कुछ साधु लोग आए हैं जो कि जगह जगह जाके पैसे लेते हैं, मतलब मांगते हैं। और ये ना हलवा बन चुका है और मैंने पोहा बनाया था क्योंकि जल्दी थी। अब मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, क्योंकि रेडी होकर दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है नीवी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर बस मैं पहुँच गई हूँ सुहागली में, जहाँ मुझे आना था। तो ये है सामने वाली आंटी जिनके यहाँ सुहागली थी, तो मैं वहाँ पर आई हूँ। और बस सारा, मतलब मैं, मम्मी, हम दोनों को आना था, मैं आ गई हूँ और मम्मी आ रही हैं। तो बस इसके बाद अब निवी सुहागली की भी ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो चुकी हैं। और इनके यहाँ ना आज कथा भी थी, तो कथा हो गई थी, सुबह हम लोग नहीं आ पाए थे और फिर अभी सुहागली में आए हैं। तो बस मैंने जब तक, क्या होता है ना, छोटे से बड़े लोग एक दूसरे को महावर लगा लेते हैं, जब तक एक दूसरे को टीका लगा देते हैं, तो बस मैंने सबको टीका लगाया। और ये हैं सबसे बड़ी बुआ जो कि हमारे मोहल्ले की हैं, मतलब मोहल्ले के जिनके यहाँ सुहागली में आई हूँ ना, उनको तो ये, मैं इनको लगाऊँगी और वो मुझे लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो भी शादीशुदा लेडीज होती है ना, अगर वो किसी को टीका लगा रही हैं तो सामने से भी वो उनको लगाएंगी, ऐसा होता है और ऐसा करना भी चाहिए। और बस यहाँ पे एक दादी हैं तो वो तैयारी कर रही हैं, और मैं, मतलब मैं किसी को महावर लगा रही हूँ, ये आंटी, मतलब सब एक दूसरे को महावर लगा रहे हैं जो कि हम लोग से बड़े हैं, ठीक है। तो बस ये, और मैंने ये दादी को लगाया। और क्या होता है ना, मैं सबको लगा रही थी, सब ने मुझे लगा लगा के बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया था। और ये कथा है जहाँ पर कथा हुई थी, और ये प्रसाद वगैरह भी लग चुका है। और फिर सुहागली, और ये ना निवी देख रही थी कि कौन है, तो बस फिर हम लोग ने सुहागली का पूजन किया। और ये जो है ना निवी, वो किसी की गोदी में थी, मेरे को लगता है सामने वाली जो आंटी ना, उनकी बेटी ने उसे लिया हुआ था। और ये इसमें क्या रखते हैं ना, पटापटा में छूही रखते हैं, इसमें मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है छूही, तो इसमें ना 7 छूही रखते हैं। और फिर उसी का पूजन करेंगे, उसी को हम टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे और श्रृंगार का सामान, श्रृंगार में ज़्यादा तो कुछ नहीं इसमें होता है, चूड़ी रखेंगे अपन, और क्या कहते हैं, बिंदी रखेंगे, चूड़ी बिंदी, ये जो मतलब देवी मैया को चढ़ता है। और पान भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें, पान के बिना सुहागली नहीं होती है। और पान वगैरह भूलना भी नहीं होता, बट अगर किसी का भूल जाए तो क्षमा मांग लो। बाकी इसमें जो भी प्रसाद मिलता है ना, तो वो सबको वहीं पे बैठकर खाना होता है। अगर आपसे नहीं खिल रहा है, मान लीजिए, तो आप थोड़ा सा जूठा करके आप अपना अलग रख सकते हैं और घर ला सकते हैं। लेकिन घर अगर लाओगे ना आप, तो उसे शाम के पहले ही फिनिश आप दोबारा नहीं, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, सुहागली का प्रसाद आप दोबारा खा सकते हो, बट जो चंदिया में होती है ना, तो उसका प्रसाद शाम को ही फिनिश करना होता है। तो बस, और ये जो आंटी ना, वो उन्होंने सबको प्लेट दे दी है, अब वो मतलब सबसे लेंगी, थोड़ा थोड़ा सा करके लेंगी, ताकि उनका भी जो प्रसाद है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरह हमारे यहाँ सुहागली होती है, और जिसका जितना मन होता है वो डाल दें, और फिर जो आंटी ने ओली ली है तो उसी में से वो खाएंगी। और मैं ये बैठी हूँ, हम सब लोग बैठ चुके हैं, और इसमें ना चटाई या फिर दरी या फिर चादर में नहीं बैठना होता है, जब तक कि आप पूजा करोगे तो फिर वो ज़मीन में ही नीचे बिना कुछ बिछाए इसकी पूजा की होती है। और या तो फिर इसका जो प्रसाद अपन खाते हैं ना, तो वो बिना लिए ही खाते हैं। तो सब लेडीज अब खिसक खिसक के, मतलब थोड़ा सा हिल हिल के पूजा करेंगी। और इसमें क्या होगा, जो छुई होती ना, उसी में टीका चंदन सारी लेडीजें लगाएंगी, पूजा करेंगी और सुहाग लेंगी। या फिर, और इसमें ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चना गुड़, जो ये प्रसाद होता है ना, तो मीठा तो आप कुछ भी रखो, और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है चना और गुड़। चना गुड़ होना चाहिए, आप कितना भी मीठा रख लो, बट ना छोटे से पैकेट में चना और गुड़ होता है। और जब इसकी कथा होती है ना,
तो जो अपन की प्लेट में चना होता है ना, उसे छील छील कर चढ़ाना होता है। आप उसमें काउंट करके, जैसे हमारे यहाँ ना काउंट करते हैं सेवन, जो चना रहते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग सोचते हैं अगर जो छिले हुए चना है वो चढ़ाते, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें ना सात चना आपको जब कथा होती है ना, छील कर तुरंत वहीं पर चढ़ाना होता है, तभी ये सुहागली की कथा जो होती है ना, उसका पूजन करते हैं। और बस ये नानू नीवी कुछ बोल रही है, मम्मा मम्मा कर रही है, पता नहीं क्या कहने वाली है वो। और नानू भी आ गई थी कोचिंग से, तो फिर उसने ना नीवी को देख कर रखा था, क्योंकि मैं और मम्मी पूजा में बैठे हुए थे, तो वो नानू रहती है ना तो काफ़ी केयर करती है उसकी, तो उसने देख कर रखा था उसे, और सब बातें कर रही हैं। हालांकि जब मेरे यहाँ होती है ना, मनेंद्रगढ़ में जब सुहागली होती है, तो कोई भी लेडीज बात नहीं करती है, जो भी उन्हें खाना होता है तो शांत होकर खाती हैं, और जो भी उन्हें अगर कुछ चाहिए होता है तो वो इशारे से बोलती है। बट चंदिया में जो सुहागली होती है तो सारे लोग बोलते जाते हैं, खाते जाते हैं, और फिर उसके बाद जो एक दूसरे से छोटे होते हैं ना, जिसका जो रिश्ता होता है, तो वो पैर पड़ते हैं सुहागली से उठ के। और कहते हैं ना, जब सुहागली से अगर आप उठो ना, तो पैर पड़ना बहुत ज़रूरी होता है, आशीर्वाद ले लो सबका। और बस इस तरह से हमारे यहाँ सुहागली की पूजा हुई। तो और ये आंटी है ना, जो मतलब तैयार थी, बेंदी और नथ वगैरह पहनी थी, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये हो गई है सुहागली, अब मैं जाऊंगी घर, बच गए हैं दो, तो देखते हैं खाना पीना क्या होता है, क्या बनाना। बनाकर रख कर आए थे, और बस थोड़ी रोटी सेकना बाकी थी, तो रोटी सेकी मैंने, और सबके लिए खाना लगाया। मतलब भैया आ चुके थे और वो बोल कर आए थे कि हम लोग 2 बजे तक ही आएंगे, ठीक है, तो आप लोग 2 बजे के बाद ही खाना खाने आए ना। तो मैंने सल्ली से आकर सबसे पहले तो चेंज किया, क्योंकि हैवी कपड़े पहन कर काम कुछ भी नहीं होता है, बाकी ऑलमोस्ट सब बना कर ही गए थे। फिर बस खाना वगैरह हुआ, और फिर बस मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, और ना नानी भी खूब रो रही थी, तो नानू ने बोला मम्मी इसे तैयार कर दो तो नीचे घुमा देंगे, तो मम्मी बैठ गई थी साइड में, और नानू और नेवी के भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि गर्मी है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा मोटे कपड़े में रिलीफ नहीं मिलता है, तो मैंने दोनों के कपड़े चेंज किए, दोनों टहल रही थी आराम से। फिर नानू बोल कर गई थी मम्मी ये भेल पूड़ी बना देना, मैंने बोला चलो ठीक है, ये बनाया मैंने। फिर इसके लिए सारा सामान कट किया, लाइक प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, मूंगफली भी सेकी, और ये सेव वाली, बारीक वाली सेव नहीं थी घर पे, और कोई लाने वाला भी नहीं था ना, तो मैंने ये सेव वाली नमकीन निकाली, और ये था मीठी चटनी, ये इमली की मीठी चटनी, जो कि स्टोर करके रख लेते हैं थोड़ा सा। तो बस मैंने ये सारी तैयारी की, और ये मुर्रा है ना, जो अब बारिश का समय है ना थोड़ा सा, तो मैंने उसे सेक लिया था हल्का सा, फिर इसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने सब मिक्सअप कर ली। और टमाटर मैंने सोचा था बाद में डालूंगा, बट धोखे से डाल दिया, क्योंकि ना डालने से पहले क्या वो सीत जाता है ना बहुत जल्दी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब डाल तो दिया है, मैं जल्दी जल्दी सबको सर्व कर दूंगी। तो बस मैंने ये जल्दी से मिलाया, और इसमें थोड़ा सा सॉस डालूंगी अभी मैं। फिर मैंने इसमें सॉस मैंने बोला तुरंत डाल दूंगी, ये मीठी चटनी डाली थी जो कि मैंने दिखाया था ना आप लोगों को इमली की, तो वो डाला, और इसके बाद सब अच्छे से मिक्सअप कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें जल्दी से मिक्सअप नहीं होता है, मुर्रे में कहीं कहीं चिपक जाती है वो, तो मैंने अच्छे से चलाया इसे, और सारा इंग्रेडिएंट्स तो डाल दिया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब बस एक प्लेट में मैं इसमें सेव डाल दूंगी और धनिया की पत्ती डाल दूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।